रौनक आरजेडी से मुतासिर तो नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी में शामिल भी होने वाली है? जी ये सम्मान की बात है और ये बिहार की बात है। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल, अपना काम आप कर रही है। अब आप लोगों की तरफ से मैं सबसे बड़ा सम्मान अपना बिहार की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं उनका सम्मान करता हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, एक पति अपनी पत्नी की मांग पूरी करने के लिए 800 रुपए का मटन कैसे खरीदता है और इस बेरोजगारी के दौर में वो किस तरह से गरीब परिवार संघर्ष करता है, उसी पर बनी है फिल्म चंपारण मटन। आपको बता दें कि ये फिल्म ऑस्कर के स्टूडेंट्स अकेडमी अवार्ड में भी पहुंच चुकी है, यानी कि बिहार का डंका अब ऑस्कर में भी बज रहा है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी बात यह है कि ऑस्कर में जो पहुंची है फिल्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं चंपारण मटन, उसकी अभिनेत्री फलक खान इस वक्त आरजेडी दफ्तर में मौजूद है। तो आज हम सीधी बात करेंगे फलक जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा फलक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप यहाँ पर आई है, कोई खास वजह आरजेडी दफ्तर पहुंचने? नहीं, बस मुझे प्यार मिला और सम्मानित किया गया और मुझे इन्विटेशन मिला तो जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ये बताइए कि, चलिए इस पे हम बाद में जाएंगे, थोड़ा सा आपकी पिक्चर, आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। चंपारण मटन हमारा टाइटल है फिल्म का और ये फिल्म जैसा कि आपने बताया कि एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है और प्यार इतना है कि सब मुसीबतों और मुश्किलों को पार करते हुए भी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना प्रथम धर्म समझता है, दायित्व समझता है। और इसी के लेके एक मटन को देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद की कहानी की दिखाई गई है कि जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है फिर भी हस्बैंड वाइफ का इतना प्यार है कि हर चीज़ को और एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है मटन को, जिस कहते हैं ना कि बिहार के लोग चाहे हालात कुछ भी हो जाए हार नहीं मानते, गिव अप कभी नहीं करते हैं बिहारी, बिल्कुल नहीं गिव अप कभी नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर एक वन लाइनर बात करें तो यही टाइटल है और कैसे पैसे नहीं है, लॉकडाउन में क्राइसिस है और कैसे वो मटन लेकर आता है, बनाता है, खिलाता है, वो एक पूरी स्टोरी है। अच्छा फलक, ये बताइए कि जिस तरह से आपकी फिल्म का डंका, बिहार का डंका ऑस्कर में बज रहा है, आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो क्या कभी उम्मीद थी कि इस तरह से सम्मानित होंगी आप? देखिए, जब से ये चीज़ें बाहर आई हैं मैं तो बोलूँगी कि बिहार से जितना प्यार मिल रहा है मुझे, मैंने बिहार की बेटी हूँ और मैं बहुत गर्व से हमेशा हर जगह जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ, इसके लिए मुझे बहुत बोला भी गया है कि मुंबई में बहुत जगह मैं मीटिंग्स या इवेंट्स अटेंड करती हूँ, तो बहुत लोग को देखा गया है कि बिहार से हैं छुपाते हैं। बट मैं आज इस मंच की बात नहीं कर रही हूँ कि आज मैं ऑस्कर्स जीत के लाई हूँ तो बात कर रही हूँ, जब 6 साल पहले भी मैं गई थी, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तभी भी मुझसे कोई पूछता था तो मैं बहुत प्राउडली कहती थी कि मैं बिहार से हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। तो ये मेरा हमेशा से था और आज जब ये चीज़ें सामने आई हैं और दो देश क्या अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे फिल्म की बात हो रही है और एक बिहार के एक वन ऑफ द फेमस क्यूजींस की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है और बिहार से इतना प्यार मिल रहा है, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो मेरे लिए। अच्छा, क्या इस फिल्म में ज्यादातर 80% लोग बिहार से हैं? जी बिल्कुल, 80% एक्टर्स, हाँ ज्यादातर एक्टर्स बिहार से लिए गए हैं और डायरेक्शन की टीम बिहार से गई थी। एक्चुअली FTII की डिप्लोमा फिल्म है तो वहाँ के जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं, कोई केरला से है, कोई महाराष्ट्र से है, डायरेक्टर जो हमारे हैं राइटर डायरेक्टर रंजन सर वो बिहार से हैं, जो मेन एक्टर है चंदन रॉय और मैं, हम लोग बिहार से हैं जी। तो मतलब अब तो लगता है कि बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे होंगे फलक को। जी बिल्कुल, ऊपर वाले की दया से काफी चीजें चल रही हैं और मैं उस पे काम भी कर रही हूँ, स्टार्ट कर दिया। क्या फलक आरजेडी से मुतासिर तो नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी में शामिल भी होने वाली है? जी ये सम्मान की बात है और ये बिहार की बात है। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल, अपना काम आप कर रही हैं। नहीं अच्छा ठीक है, तो शादी का इरादा? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी प्रपोजल्स तो आ रहे होंगे खूब सारे, अभी सिर्फ काम के प्रपोजल्स आ रहे हैं और काम पे ही कर रहे हैं काम।
तो सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं फलाह खान। देखिए इशारों में बहुत कुछ बताया है, अपनी फिल्म को लेकर भी बड़ी बात कह दी है और साफ कहा है कि देखिए बिहारी कभी हार नहीं मानते हैं। और देखिए जब हमने उनसे पूछा कि आज फलाह खान आरजेडी दफ्तर में आई हैं तो क्या फलाह आरजेडी में भी शामिल होने वाली हैं, तो देखिए उस पर फलाह खान ने सिर्फ एक मुस्कुराहट से जवाब दिया है, यानी कि स्माइल करके इस प्रश्न से जो है बचती हुई नजर आई है फलाह खान। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।